हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज आपका भाई आपके लिए एक नई एप्लीकेशन लेकर आ चुका है जोस। आपने इसका नाम पहले सुना होगा क्योंकि टिकटॉक बंद होने के बाद यहाँ पर इंडिया ने यहाँ पर एक एप्लीकेशन लॉन्च की थी जिसका नाम यहाँ पर जोस है। तो ये एप्लीकेशन इंस्टाग्राम के जैसा ही है। आप इसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, कैसे आप इसका अकाउंट बना सकते हो, आज मैं आपको पूरा प्रोसेस इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ये वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हम यहाँ पर जोस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया हूँ। अब यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ ओपन। ओपन करते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी अमेजिंग यहाँ पर इसका इंटरफेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो भी आपकी लैंग्वेज है, यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। लैंग्वेज को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर प्रोसेड पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देख सकते हो आपका जोस एप्लीकेशन है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर देख सकते हो आपका प्रोफाइल शो हो रहा है। तो यहाँ पर मैं प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपना अकाउंट बनाना है। तो अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। अगर आप गूगल आईडी से इसे साइनअप करना चाहते हो तो यहाँ पर गूगल का भी ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप कौन से मोबाइल नंबर पर अपना अकाउंट बनाना चाहते हो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सेंड पर क्लिक करना है। सेंड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या बता रहा है, कंट्री। तो हम यहाँ पर अपनी कंट्री सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको इंडिया लिखना है। तो यहाँ पर मैं इंडिया लिख लेता हूँ। इंडिया लिखने के बाद यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। यहाँ पर आपको ओटीपी डालना है। तो यहाँ पर ओटीपी आ चुका है। तो ओटीपी यहाँ पर ऑटो फिल हो चुका है। ऑटो फिल होने के बाद अब यहाँ पर क्या बता रहा है, व्हाट डू यू वांट टू बी नो एस ऑन जोस। तो यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम डालना है। तो यहाँ पर मैं अपना यूजर नेम डाल देता हूँ। ठीक है, यूजर नेम डालने के बाद यहाँ पर मैं सेव पर क्लिक करता हूँ। सेव पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर वापस मैं अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो मेरी यहाँ पर जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर शो हो रही है। और यहाँ पर मेरा जो अकाउंट है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर अगर आप अपनी प्रोफाइल लगाना चाहते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो गो टू प्रोफाइल, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका अकाउंट है वहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं। एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो प्रोफाइल ऐड, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। चॉइस ए फोटो पर क्लिक करना है, एलो करना है। एलो करने के बाद यहाँ पर जो भी आप अपनी प्रोफाइल लगाना चाहते हो यहाँ पर आप लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कोई एक प्रोफाइल देख लेता हूँ। तो प्रोफाइल मेरी यहाँ पर इसके अंदर मिल जाएगी। तो मान लो मैं यहाँ पर कोई एक प्रोफाइल देख लेता हूँ। तो इसे यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेट वी पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मेरी प्रोफाइल सेट हो चुकी है। अब यहाँ पर आप अपना नाम चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप अपना नाम चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। ये नाम लिखने के बाद यहाँ पर देख सकते हो नो बायो इट। अगर यहाँ पर आप बायो लिखना चाहते हो कुछ भी तो यहाँ पर आप लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वीडियो करेक्टर। ठीक है, और यहाँ पर जो भी आपका जेंडर है मेल, तो यहाँ पर मैंने मेल डाल दिया है। यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो यहाँ पर मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। ठीक है, एड वेबसाइट लिंक, अगर कोई भी आपकी वेबसाइट है, यूट्यूब लिंक है, इंस्टाग्राम लिंक है, वो यहाँ पर आपको डालना है। सेव पर क्लिक करना है। ठीक है, सेव पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपका अकाउंट कुछ इस तरह दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप इसे अपलोड करना चाहते हो कुछ भी तो यहाँ पर आपको अपलोड फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है। कुछ भी यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं कोई एक वीडियो ले लेता हूँ, यहाँ पर कोई एक वीडियो देख लेता हूँ कौन सा। इस वीडियो पर मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है और यहाँ पर पोस्ट पर क्लिक कर दिया है। पोस्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ भी आप अगर हैशटैग या कुछ
वीडियो के डिस्क्रिप्शन के बारे में डालना चाहते हो तो ये डाल सकते हो, वरना आप यहाँ पर डन पर क्लिक करना है। डन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो वीडियो है यहाँ पर अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस हो जाएगा, यहाँ पर आपको एलो पर क्लिक करना है। यहाँ पर लोकेशन को भी आपको एलो करना है, लोकेशन को मैंने यहाँ पर एलो कर दिया है। एलो करने के बाद अब यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो वीडियो है यहाँ पर अपलोड हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं बैक, ठीक है, और बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद अब यहाँ पर आप अपनी जो भी वीडियो है यहाँ पर रील्स जैसे हम इंस्टाग्राम के अंदर देखते हैं वैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हो। ये देखो कुछ इस तरह, अगर आपको कोई भी वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप व्हाट्सएप के अंदर भी शेयर कर सकते हो। तो कैसी लगी ये एप्लीकेशन आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसके कुछ फीचर्स है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दो नंबर पर जो कौन सा फीचर है हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद हमें कौन सा फीचर दिखाई देता है, तो हमें यहाँ पर कुछ अकाउंट है यहाँ पर हमें शो होता है। जैसे कि हम सर्च इंस्टाग्राम के अंदर सर्च करते हैं वैसे ही ये सर्च बार है, ठीक है। और जो तीसरा नंबर है यहाँ पर म्यूजिक वाला, इसके अंदर क्या है हम क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्या दिखाई देता है, यहाँ पर आपको ऑडियो सीरीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर आप ऑडियो के अंदर कुछ सीरीज सुनना चाहते हो जैसे हम FM रेडियो पर सुनते हैं वैसे इसके अंदर, ये फीचर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है। और यहाँ पर जो चार नंबर ऑप्शन है टी वाला, इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद इसके अंदर क्या है हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमारा वीडियो अपलोड हो चुका है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, मेरा अपन नेट स्लो चल रहा है जिसके कारण ये यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप क्या है कि यहाँ पर आप लाइव लोगों को देख सकते हो कुछ इस तरह। अगर आप इन्हें लाइव चैटिंग कर सकते हो तो आप यहाँ पर लाइव चैट भी कर सकते हो, आप जिसे चाहे उसे यहाँ पर चैट कर सकते हो। ये यह यहाँ पर आगे पीछे भी होता है, जैसे हम रील्स के अंदर नेक्स्ट करते हैं वैसे ये नेक्स्ट लाइव जो चल रहा है वह यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है मैसेज वाला, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। इसके अंदर आपको कौन सा फीचर दिखाई देगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं मैसेज पर क्लिक कर दिया हूँ। मैसेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं इग्नोर, ठीक है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो यहाँ पर आपके आप किसे यहाँ पर मैसेज करना चाहते हो यहाँ से आप इसे कर सकते हो। यहाँ पर काफ़ी अकाउंट्स हो रहे हैं तो यहाँ पर आप मैसेज पर क्लिक करते हैं। मान लो मैं यहाँ पर सीधी यहाँ पर मैसेज पर क्लिक करता हूँ। मैसेज पर क्लिक करने के बाद आप इसे फॉलो कर सकते हो। फॉलो करने के बाद यहाँ पर इसे हाई लिख देना है। ये यहाँ पर फ्री है, बाकी एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। ये इंस्टाग्राम के जैसा ही एप्लीकेशन है, तो आप यहाँ पर लाइव चैटिंग कर सकते हो, लाइव बातें भी कर सकते हो। ये एप्लीकेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको ये एप्लीकेशन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बस यही थी आज की वीडियो के अंदर, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं ऐसे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।